हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है 70 बीपीएससी पीटी बायोलॉजी सेट नंबर 22। और आज हम सब एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 11 पादप हार्मोन। पादप हार्मोन यानी प्लांट किंगडम से हम सब दो चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हम सब पढ़े थे सबसे पहले प्लांट टिश्यूज यानी पादप उत्तक, उसके बाद पढ़े कि प्लांट कितने प्रकार के होते हैं, और आज हम सब पढ़ेंगे पादप हार्मोन। जितने भी नए सब्सक्राइबर हमारे चैनल से जुड़े हैं उनसे अनुरोध है, अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं, 70 बीपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो साइंस यहां से कर सकते हैं। मैं साइंस और पॉलिटी करवाऊंगा प्रीलिम्स के लिए, और अभी फिलहाल बायोलॉजी चल रहा है। और जब आप बायोलॉजी देखना शुरू करेंगे तो चैप्टर नंबर 11 से नहीं देखेंगे, आप चैप्टर नंबर पहले और सेट नंबर 1 से देखना शुरू करेंगे, ठीक है। सेट नंबर 1 से लेकर के लगातार आप बढ़ते जाएंगे, तब आपको बायोलॉजी कॉन्सेप्ट वाइज समझ में आएगा। फिलहाल ये चैप्टर है पादप हार्मोन के ऊपर। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जल्दी से ज्वाइन कर लें और वहां से आप पीडीएफ पा सकते हैं। चलिए आज पादप हार्मोन को हम सब पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, यहां से काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। फाइटो हार्मोन्स या पादप हार्मोन क्या है? फाइटो मतलब होता है पादप हार्मोन यानी प्लांट हार्मोन। तो यह पादप के वृद्धि को प्रभावित करता है, यानी पेड़ पौधे का बढ़ना और घटना इसको प्रभावित करता है आपका पादप हार्मोन। पादप हार्मोन यह निर्बल अम्लीय यानी कमजोर अम्लीय और क्षारीय पदार्थ का बना होता है। यह हार्मोन द्रव या गैस अवस्था में रह सकता है, ये दो अवस्था में होता है, द्रव या गैस, ये ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता है। पादप हार्मोन दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक पादप हार्मोन और द्वितीय पादप हार्मोन। चलिए देखते हैं प्राथमिक पादप हार्मोन और द्वितीय पादप हार्मोन एक्चुअल में है क्या। सबसे पहले प्राथमिक पादप हार्मोन, यह 5 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया ऑक्सिन हार्मोन, दूसरा हो गया जिबरलिन्स हार्मोन, तीसरा हो गया साइटोकाइनिन हार्मोन, चौथा हो गया एथिलीन हार्मोन, और पांचवा हो गया एब्सिसिक अम्ल हार्मोन या एब्सिसिक हार्मोन। तो ये 5 हार्मोन होते हैं प्राथमिक पादप हार्मोन में। पांचों क्या क्या काम करता है आगे अभी हम सब देखने वाले हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं द्वितीय पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं। द्वितीय पादप हार्मोन यह 2 प्रकार के होते हैं, ट्रांसम्यूरिन हार्मोन और फ्लोरिनजेन्स हार्मोन। चलिए देखते हैं सबके क्या क्या कार्य हैं पेड़ पौधे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा प्रश्न बीपीएससी करती है यहाँ से। चलिए सबसे पहला हार्मोन हम सब देखते हैं, ऑक्सिन हार्मोन। तो पहला प्लांट हार्मोन की खोज ऑक्सिन की हुई थी, तो ऑक्सिन जो है यह पहला प्लांट हार्मोन है। इसके खोजकर्ता कौन है, मतलब ऑक्सिन के खोजकर्ता कौन है, तो चार्ल्स डार्विन ने इसे खोजा था। तो ऑक्सिन का खोज चार्ल्स डार्विन द्वारा किया गया था, याद रखेंगे आप सब। ऑक्सिन जो नाम रखा था ये किनके द्वारा रखा गया था, तो FW वेंट ने रखा था इसका नाम। नाम रखने और खोज करने दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। खोजा चार्ल्स डार्विन ऑक्सिन को, और ऑक्सिन जो नाम रखा ये नाम रखा था FW वेंट ने। अब ये हार्मोन एक्चुअल में क्या काम करता है पेड़ पौधे में, तो यह हार्मोन पौधे के शीर्ष वृद्धि में सहायक होता है। यानी ये पेड़ है, मान लेते हैं ये ऊपरी हिस्सा है, तो इसके वृद्धि में कौन सहायक होगा, तो इसके वृद्धि में सहायक होगा यानी पेड़ पौधे का जो बढ़ना है वो ऑक्सिन हार्मोन के कारण होता है। जड़ की लंबाई में वृद्धि करता है, आप देखे होंगे जड़ पानी की तलाश में नीचे बढ़ते रहता है, तो उसकी लंबाई में वृद्धि करता है ऑक्सिन हार्मोन के कारण। इसके अलावा ये खरपतवार नाशी भी होता है। खरपतवार क्या होता है, देखिए धान आप रोपे, एक खेत में धान रोपे, लेकिन धान के अतिरिक्त बहुत सारे जो है फसल साथ में साथ उग जाते हैं जो कि आपके द्वारा नहीं लगाया गया है, तो उसको बोलते हैं खरपतवार। तो ये खरपतवार को मार देता है, यानी यह खरपतवार नाशी होता है। कौन सा हार्मोन होता है, तो ऑक्सिन हार्मोन होता है। खरपतवार आप सब समझ गए होंगे, कोई भी आप फसल रोपते हैं उसके साथ जो अतिरिक्त फसल उग जाता है उसी को खरपतवार बोला जाता है। खरपतवार नाशी के अनुसार ऑक्सिन कितने प्रकार के होते हैं, तो खरपतवार नाशी के अनुसार ऑक्सिन 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक ऑक्सिन, तो इसको बोला जाता है यह इंडोल एसिटिक एसिड है, नाम याद रखेंगे, यह इंडोल एसिटिक एसिड है और यह स्वतः ही खरपतवार नाशी होता है। यानी ऑक्सिन में इंडोल एसिटिक एसिड जो होता है, जो कि प्राकृतिक ऑक्सिन है, यह स्वतः ही खरपतवार को मार देता है, मतलब जो धान के साथ अतिरिक्त पौधा उगा है उसको मार देता है। और इसके अलावा ऑक्सिन को जो है प्रयोगशाला में बनाया भी जाता है, तो कृत्रिम ऑक्सिन भी बनाया गया है, तो यह कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में बनाया गया है। विश्व का पहला कृत्रिम खरपतवार नाशी 2,4-D है, इसका छिड़काव करेंगे तो धान के अतिरिक्त जो फसल उगा होगा वो मर जाएगा। 2,4-D का फुल फॉर्म आप नीचे देख लीजिए, 2,4-D का फुल फॉर्म लिखा हुआ है। तो ये कृत्रिम क्या है, कृत्रिम खरपतवार नाशी है 2,4-D, और 2,4-D का आपका है फुल फॉर्म 2,4-D फिनॉक्सी एसिटिक अम्ल, याद रखेंगे इस नाम को, बार बार क्वेश्चन यहाँ से बीपीएससी पूछती है और बहुत सारे एग्जामों में भी पूछा जाता है। ऑक्सिन हार्मोन द्वारा और क्या क्या काम पेड़ पौधे में किए जाते हैं देखते हैं हम सब। तो ऑक्सिन या
पार्थेनोक्रापी करता है। यह पार्थेनोक्रापी होता क्या है? तो स्टेगमा पर हार्मोन के छिड़काव से बीज रहित फल का उत्पादन। बहुत सारे पौधे में, बहुत सारे फलों में बीज रहित रहता है, बीज रहता ही नहीं है। जैसे अगर आप उदाहरण के तौर पे देखें तो अनानास में बीज नहीं होता है, तो उसमें क्या होता है, तो पार्थेनोक्रापी कौन करता है? ऑक्सिन हार्मोन, इसलिए उसमें बीज नहीं होता है। जड़ का विभेदन करता है, विभेदन मतलब जड़ को बांटा, जड़ को बढ़ाने का काम किया। जड़ का जमीन के अंदर बढ़ना, पौधे की सूरज की दिशा की ओर बढ़ना या ऑक्सिन के कारण होता है। आप देखेंगे पेड़ सीधा सीधी बढ़ता है, जिधर सूरज रहेगा उधर ही पेड़ घूम जाएगा। अगर आप इंडोर में प्लांट लगाते हैं, आउटडोर में लगाएंगे तो सीधा सीधी बढ़ेगा और नीचे रूट बढ़ेगा, ठीक है। ये किसके कारण बढ़ता घटता है? तो ये ऑक्सिन हार्मोन के कारण बढ़ता और मतलब बढ़ता है, ठीक है। पेड़ ऊपर बढ़ा ऑक्सिन के कारण, जड़ नीचे जमीन में बढ़ा ऑक्सिन के कारण। एक उदाहरण देखिए, मैं लिखा हूँ मस्सा, सूरजमुखी का पौधा सूरज की दिशा में गति करता है। जिधर जिधर सूरज जाएगा दिन में, उधर उधर सूरजमुखी का पौधा घूमता रहेगा, ठीक है। तो इस ये एग्जाम्पल है, ऑक्सिन के कारण ऐसा होता है। तो ऑक्सिन हार्मोन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपके पादप हार्मोन के अंतर्गत, यानी पेड़ पौधे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम सब, दूसरा हार्मोन जिब्रेलिन्स हार्मोन। ये क्या करेगा? तो ये हल्का अम्लीय हार्मोन है, यह बौनेपन पौधे को लंबा करता है। मतलब जो बौना पौधा है उसको लंबा करने का काम कौन करता है? जिब्रेलिन्स हार्मोन करता है। यह तना की लंबाई में वृद्धि करता है, तना को बढ़ाएगा। यह पत्ती में वृद्धि करता है, पत्ता जैसे छोटा रहता है छोटे पौधे में, फिर बड़ा होते जाता है, तना भी बढ़ता है पत्ता भी बढ़ता है। ये किसके कारण होता है? तो जिब्रेलिन्स हार्मोन के कारण होता है। लिंग सजगता को बढ़ाता है, बीज को बढ़ाएगा, ठीक है। फूल को खिलाने का काम करेगा। जैसे आप सुबह की अवस्था में फूल देखें तो कली के रूप में रहता है, वो थोड़ा सा खिलना शुरू करेगा, वो जिब्रेलिन्स के कारण होता है। थोड़ा सा खिलने की मैं बात कर रहा हूँ, पूरा खिलने की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा अलग हार्मोन की वजह से होता है, ठीक है। जैसे कली है तो कली से थोड़ा सा खिलेगा, सुबह सुबह अड़हुल का अगर आप कली देखेंगे तो थोड़ा सा खिला रहेगा, वो किसके कारण खिला रहेगा? वो जिब्रेलिन्स हार्मोन के कारण खिलता है। इसके अलावा जिब्रेलिन्स हार्मोन का क्या काम है? तो ये इंटरनोड की वृद्धि में सहायक होता है। बगल में आप फोटो देखिए, इंटरनेट किसको बोलेंगे, इंटरनोड किसको बोलेंगे? तो ये वाला पेड़ का पत्ती देखिए और ये पत्ती देखिए, दोनों के बीच के दूरी को इंटरनोड बोलते हैं। तो ये स्टीम को बढ़ाने का काम कौन करता है? जिब्रेलिन्स हार्मोन, ठीक है। जहाँ पे मैं टिक कर रहा हूँ ये, और यहाँ से यहाँ के दूरी को, इस वाले जो डंठल है इसको बोलेंगे इंटरनोड्स, ठीक है। और जहाँ से पत्ती निकलता है उसको नोड्स बोला जाता है। जैसे गन्ना का अगर आप पौधा देखे हो तो गन्ना के पौधे को वृद्धि करता करने में सहायक होता है कौन? जिब्रेलिन्स हार्मोन। गन्ना का जो पेड़ होता है इस प्रकार से होता है, और आप देखेंगे इस पे लगा रहता है, इसी को बोलते हैं ए और बी दूरी को क्या बोलेंगे हम सब? इंटरनोड्स बोलेंगे। चलिए अभी जिब्रेलिन्स का काम खत्म नहीं हुआ है, अभी एक दो चीज और हम सब जानेंगे। जिब्रेलिन्स हार्मोन और क्या क्या कार्य करता है? तो यह सुसप्ता अवस्था से जागृत अवस्था में लाता है। मतलब पौधा सोया हुआ है उसको जागृत अवस्था में कौन लाएगा? वो लाएगा जिब्रेलिन्स हार्मोन, यानी यह हमेशा कुछ ना कुछ बढ़ाने का काम करेगा। यह 100 से अधिक हार्मोन का समूह होता है, जिस प्रकार से GAA, GA2, GA3, इस प्रकार से GA100 तक होता है। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो GA3 है। बार बार यहाँ से प्रश्न पूछेगा, क्योंकि ये जो भी मैं आपको अभी जिब्रेलिन्स हार्मोन के बारे में बताया वो सारा काम जो है GA3 करता है, इसको आप याद रखेंगे। तो ये था जिब्रेलिन्स हार्मोन। बढ़ते हैं तीसरे हार्मोन की ओर, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए तीसरा हार्मोन हम सब देखते हैं, इसका नाम है आपका साइटोकाइनिन हार्मोन। बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है, यह क्षारीय हार्मोन होता है। अब ये अम्लीय और क्षारीय आप सबको पता है, तो 0 से लेकर 14 तक स्केल होता है, पीएच स्केल। उसमें 7 से अधिक जो होगा वो क्षारीय होगा, 7 के वैल्यू से कम जो होगा वो अम्लीय होगा, और 7 जो रहता है उसको उदासीन बोलते हैं, ठीक है। तो साइटोकाइनिन कैसा हार्मोन है? तो ये क्षारीय हार्मोन है, और यह कोशिका विभाजन में सहायता करता है। कोशिका विभाजन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, हम सबका जो विकास हुआ है वो कोशिका विभाजन के तहत हुआ है। अगर ये विभाजित ना हो तो नए कोशिका का जन्म ही ना हो। जैसे आपका कहीं पे घाव हुआ, ठीक है, वो ठीक ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? कोशिका विभाजन प्रभावित हुआ है, यानी वो कोशिका विभाजन के ही वजह से आपका घाव जो है धीरे धीरे ठीक हो जाता है। कोशिका की लंबाई में वृद्धि करता है साइटोकाइनिन, एवं विभेदन में भी सहायता करता है, और यह दीर्घ आयु बनाता है। पेड़ पौधे को ज्यादा समय तक दीर्घ आयु बनाने का कार्य कौन करता है? साइटोकाइनिन हार्मोन करता है। क्यों करता है? तो यह पत्तियों को झड़ने से रोकता है, यह बहुत समय तक पत्ती को झड़ने से रोकता है। कौन सा हार्मोन? साइटोकाइनिन हार्मोन, बहुत ही महत्वपूर्ण है पेड़ पौधे के लिए। तो यह पत्ती को झड़ने से रोकता है। इसके अलावा ये क्या करता है? फूलों को मुरझाने में देरी करता है। आप बहुत सारे फूल जो है देखे होंगे काफी समय बाद मुरझाता है, तो वो नहीं मुरझाने का कारण क्या है? उसमें साइटोकाइनिन हार्मोन होता है। क्लोरोफिल को गायब होने से रोकता है।
अगर क्लोरोफिल गायब हो जाएगा तो फिर पौधे जो है भोजन का निर्माण कर ही नहीं पाएंगे और वो धीरे धीरे मर जाएंगे। ठीक है, शीर्ष भाग में वृद्धि करता है यानी पौधे को बढ़ाने का भी कार्य करता है साइटोकाइनिन हार्मोन, तो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन था साइटोकाइनिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 4, एथिलीन हार्मोन, चौथा नंबर है एथिलीन हार्मोन, यह एकमात्र गैसिया हार्मोन है, इसको आप याद रखेंगे। यह फलों के वृद्धि को बढ़ाता है, मतलब फल छोटा है, छोटा से बड़ा फल हो जाएगा, किस हार्मोन के कारण होगा, तो एथिलीन हार्मोन के कारण होता है। इसके अलावा यह फल को पकाने का भी काम करता है, अभी आम का सीजन है तो आम को कौन पका रहा है, एथिलीन हार्मोन पका रहा है। पत्तियों के ऊपरी भाग को मोटा करता है, ठीक है, पत्ती को थिक बनाने का काम, मोटा करने का काम एथिलीन हार्मोन का है। यह मूल रोम यानी रूट हेयर में वृद्धि करने में सहायक होता है, जड़ का जो रूट है उसमें जो छोटे छोटे लगे रहते हैं और भी रूट, मतलब एक तो मूल रूट होता है उसके साथ छोटे छोटे इस प्रकार से रूट रहते हैं, तो उसको बढ़ाने का काम कौन करता है, एथिलीन हार्मोन करता है। इसके अलावा एथिलीन हार्मोन का एक और काम है, यह फूल के पूरे खिलने और अधिक समय तक खिले रहने में सहायता करता है। अगर सुबह जो है फूल पूरा खिलता है तो पूरा मतलब उसका जितना हाइएस्ट खिलने का ताकत है वो खिलता है, किसकी वजह से, एथिलीन हार्मोन की वजह से। और आप देखे होंगे कि अड़हुल का पौधा काफ़ी समय तक उसका जो फूल है लगभग अगर सुबह खिलाए तो शाम तक रह जाता है, तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये क्या कारण है, तो इसका कारण है एथिलीन हार्मोन, उसी वजह से जो है फूल जो है पूरा खिलने के बाद काफ़ी अधिक समय तक रहता है। चलिए पांचवा नंबर, एब्सिसिक अम्ल हार्मोन, ये क्या करेगा, तो यह वृद्धि रोधक हार्मोन है, यह सुसुप्ता व्यवस्था को बढ़ाता है, यह क्लोरोफिल का क्षय करता है, मतलब ये लॉस हार्मोन समझ लीजिए इसको कह सकते हैं। मान लेते हैं पत्ती पर बर्फ गिर जाता है लेकिन फिर भी पेड़ लंबे समय तक जीवित रह सकता है, इसका कारण एब्सिसिक अम्ल है। तो एब्सिसिक अम्ल मेनली वृद्धि रोधक है, वृद्धि को रोकता है, और यह जो पौधा मतलब सोया अवस्था में है तो उसको सोने अवस्था में रहता है, उसको जागृत करने का प्रयास भी एब्सिसिक अम्ल नहीं करता है, और यह क्लोरोफिल को क्षय करता है। क्लोरोफिल आप सबको पता है प्रकाश संश्लेषण की सहायता से भोजन जो निर्माण करता है पौधा, वो क्लोरोफिल की वजह से करता है, ठीक है, क्योंकि पत्ती में क्लोरोफिल पाया जाता है। ये सब मैं आपको प्रकाश संश्लेषण में अच्छे ढंग से पढ़ाऊंगा। तो ये एब्सिसिक अम्ल हार्मोन हो गया, इसमें कुछ ये 3-4-5 पॉइंट है जो कि बार बार एग्जाम में पूछेगा। चलिए अब द्वितीयक श्रेणी वाला हार्मोन देखते हैं, फिर पूरा हम सब प्लांट हार्मोन पढ़ जाएंगे। चलिए द्वितीयक पादप हार्मोन में पहला है ट्रांसम्यूरिन, यह पादप के क्षति को रोकता है यानी पेड़ पौधे के जो है क्षति को रोकता है, लॉसेस को रोकता है। दूसरा है फ्लोरीजेंस, ये फूलों के खिलने में सहायक होता है, ये इसे पुष्प वृद्धि हार्मोन कहते हैं। तो ये द्वितीय पादप हार्मोन था, एकमात्र गैसीय पादप हार्मोन क्या है, एथिलीन, इसको याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। तो ये था 70 BPSC PT बायोलॉजी सेट नंबर 22 का चैप्टर नंबर 11 पादप हार्मोन। अगला जो पढ़ेंगे पादप से ही रिलेटेड पढ़ेंगे, प्लांट जगत से ही रिलेटेड पढ़ेंगे, और उसमें हम सब पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में, ठीक है। तो चलिए आप सब तैयार रहिए, और ये वाला वीडियो अगर आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर लीजिए। बायोलॉजी खत्म होने के बाद हम सब जल्दी जल्दी फिजिक्स करेंगे, और फिर केमिस्ट्री करेंगे, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी करेंगे मेंस के लिए, और एनवायरमेंट भी करेंगे मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।